अंतस योग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बैक फैट को कम करने के लिए कुछ प्रभावी योगासन बताएंगे। और वाकई अगर आपको बैक फैट को कम करना है तो योगा आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प होता है। दोनों हाथों को पीछे से मिलाते हुए कोशिश कीजिए नमस्कार की मुद्रा में, थोड़ा सा ऊपर की ओर, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। सांस को बाहर निकालते हुए आगे झुक जाइए 90 डिग्री का एंगल, कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए क्षमता अनुसार झुके रहिए। दोनों पैरों में खिंचाव, बैक फैट के साथ साथ कमर की साइड की चर्बी को रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा पीछे की ओर देखिए, बैलेंस बना रहे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए कोशिश कीजिए पैर ना मुड़े। बैक फैट के साथ साथ हिप्स और थाइस की मांसपेशियों की मजबूती के लिए, साथ ही साथ पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करने के लिए धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर उठाइए दोनों हाथों को। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए आ जाइए अधोमुखी श्वान आसन, पूरे शरीर को सही आकार देने के लिए, साथ ही साथ बैक पर जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए क्षमता अनुसार होल्ड। एक महत्वपूर्ण बात, पेट और पीठ कहीं का भी वजन कम करना है तो अपनी डाइट प्लान में बादाम को जरूर शामिल करें। नेक्स्ट शशंकासन, पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, खास तौर से रीढ़ और पीठ की हड्डी का। यह पूरे शरीर पर शांत और उत्साहजनक प्रभाव डालता है बैक फैट को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आसन उष्ट्रासन, जिसमें पूरे शरीर का वर्कआउट होता है, पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग। यह आसन आपके शरीर के सारे वायु चैनल्स को खोल देता है जो उचित सांस लेने में आपकी मदद करते हैं, आपकी सारी नसों को रिलैक्स करते हैं। 8 से 10 बार इसका अभ्यास। नियमित रूप से इसका अभ्यास करने से आपका वजन भी कम होता है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैट बर्न होने के लिए, जिससे आपका बैली फैट और बैक फैट बहुत जल्दी दूर होता है। नेक्स्ट पोज सुप्त वीरासन, कोहनियों का सहारा लेकर पीछे लेट जाइए, कम से कम 5 राउंड, 1 राउंड 15 to 20 seconds। नेक्स्ट पोज पश्चिमोत्तानासन, बैक फैट को रिड्यूस करने के साथ साथ स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आसन। 8 से 10 बार। अंत में एक महत्वपूर्ण टिप, वजन कम करने के लिए खाएं चुकंदर, क्योंकि ये फैट फ्री होता है, साथ ही साथ फाइबर से भरपूर होता है। ऐसे में ये आपको लंबे समय तक भूख लगने से रोकता है। इसके अलावा यह खनिज और विटामिन से भरपूर है और आपको हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट आसन भुजंगासन, कोबरा पोज, पेट और पीठ दोनों की चर्बी को कम करने के लिए बेहद आसान और प्रभावी आसन। धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर, क्षमता अनुसार होल्ड, कम से कम 10 से 20 बार इसका अभ्यास। अंत में एक महत्वपूर्ण टिप, चाहे आपको बॉडी वेट कम करना हो या बैक का फैट, आप जितना खाना खाती हैं उतना ही खाइए, लेकिन उसे खाने का तरीका बदल लीजिए। खाने पीने की आदतों में थोड़ा सा बदलाव आपको ज्यादा हेल्दी बना सकता है। आप जो खाती हैं वही खाइए, लेकिन उसे किस तरह से खाना है वो जान लीजिए। मेन बात, कुछ लोग समझते हैं कि फलों को खाने से उनकी सेहत बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा फल यानी ज़्यादा शुगर, इसीलिए एक साथ बहुत सारे फल खाना भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। ख़ास तौर से फलों का जूस तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए।
इससे बेहतर होगा आप दिन में एक या दो फल लें। इन फलों में ज़रूरी फाइबर, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा खाना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप जूस भी पीना चाहती हैं तो आपको फलों की जगह सब्जियों का जूस पीना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद होता है। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए अंतस्वी।